Captain Shobharam. कैप्टन शोभाराम का जन्म 5 सितंबर 1920 को इसी घर में हुआ। उनके पिता का नाम मौजीराम था, जो एक किसान थे। कैप्टन शोभाराम आज भी उतने ही मुस्तैद हैं जितने वो आजादी से पहले हुआ करते। वो सुबह की सैर करते हैं और अखबार पढ़कर हिंदुस्तान में हो रहे बदलावों से रूबरू होते हैं। कैप्टन शोभाराम को देखकर आज कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही शोभाराम हैं जिसने एक समय अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया था। लेकिन ये ताम्रपत्र और फोटोग्राफ गवाह हैं कि किस तरह कैप्टन शोभाराम ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर शिरकत की और देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सदस्य थे, उनके अंगरक्षक थे। आज भी कैप्टन शोभाराम सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो आज अपनी पत्नी, बेटे, पोते, पड़पोते के साथ रह रहे हैं। जब कभी शोभाराम देश की रक्षा के लिए मिले ताम्रपत्र को देखते हैं तो अतीत के कई पन्ने उनकी आंखों के आगे से गुजरने लगते हैं। जिस समय शोभाराम का जन्म हुआ उस वक्त अंग्रेजों के अत्याचार की खबरें आए दिन सुनने को मिलती। शोभाराम जब 7-8 साल के हुए तो इनके पिता ने इनका नाम स्कूल में लिखवा दिया। शोभाराम स्कूल जाने लगे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ शोभाराम खेलों में भी बहुत होशियार थे। फुटबॉल और कुश्ती उनके पसंदीदा खेल थे। बचपन की बातें शोभाराम को आज भी याद हैं कि मेरा जन्म 5 सितंबर सन 1920 को पैदा हुआ। मैं चौधरी मौजीराम के घर में, वो एक किसान थे। ऐसा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि देश गुलामी की रो में चल रहा था। हमारे माता पिता खेती का जीवन ही करते थे, उसी पर सारा कारोबार जो था चल रहा था। कुछ दिन के बाद में उन्होंने अपना थोड़ा बिजनेस शुरू किया था, मिल्क बिका। तो नॉर्थ साउथ और काउंसिल चैम्बर में उनका बाकायदा दूध जो है वो एक रेडे के द्वारा वहाँ पर जाने लगा। उससे कुछ हालात थोड़े से बेहतर हुए। हमारे माता पिता जो थे वो दरअसल उनके अंदर भी कुछ कुदरतन देशभक्ति के जज्बात थे।
उन्होंने कभी अंग्रेजों को पसंद नहीं किया, और वो अगर कहानियां भी सुनाते थे तो वो ऊधम सिंह की, सुभाष जी की, नेहरू गांधी की, चंद्रशेखर की, इनकी चीज़ें जो थे हमारे सामने, भगत सिंह जी के इतिहास जो थे वो कहानी के रूप में बताया करते थे, और उसी से हमारे दिल दिमाग के अंदर ये जज्बात पैदा होते चले गए। शोभाराम हमेशा सोचते रहते थे कि कैसे इन फिरंगियों को देश से भगाकर अपने मुल्क को आजाद कराया जाए। यही जज्बा लिए वो फौज में शामिल हो गए। ये स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में उनका पहला कदम था। उस समय महात्मा गांधी जी की मूवमेंट के दौर चल रहे थे, तो हमारे गांव के अंदर एक पुराने चौधरी बलदेव सिंह थे जो कि डिट्स बोर्ड के मेंबर थे, हमने उनका साथ पकड़ा। वो भी रेवोल्यूशनरी आदमी थे, और उसी के साथ सी के नायर मेंबर पार्लियामेंट जो थे वो भी यहाँ पर रामतलाव पर उनकी एक स्थान बना हुआ था, वहाँ पर यही शिक्षा देते थे, तमाम के तमाम देशभक्ति की चीज़ें बताते थे। तो इस किस्म से ये हमारे दिलो दिमाग में यहाँ से आज़ादी के जज्बात जो थे वो भर गए। और भर्ती होने के बाद में वहाँ पर मेरे को एक दफ़ा अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आर्मी के अंदर, कंपनी के अंदर, अपनी बटालियन के अंदर वो गाना गाया, तो मेरे को अरेस्ट कर लिया। 7 रोज तक मैं क्वार्टर का बंद रहा, उसके बाद में फिर दोबारा मैं इसके अंदर आया। तो बड़ी ऐसी चीज़ आई कि मेजर स्टेपल्टन और कमांडेंट की नज़रों के अंदर मैं चढ़ गया। एक रोज़ ICF बटालियन के साथ में साउथ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कैनानौर है, उसके अंदर हमारी वो रेजिमेंट थी, उस रेजिमेंट के अंदर ITF बटालियन से हमारा फुटबॉल का मैच हुआ, तो उसमें हमारे वो मेजर साहब जो था बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ, तो उसकी जगह पर हटाकर सेंटर फॉरवर्ड मेरे को किया गया। दूसरी साइड से एक कैप्टन अंग्रेज खेल रहा था, कुदरतन वो मेरे से एक्सीडेंट हुआ और उसके डबल चोट लगी, तो हमारे मेजर साहब ने वो भी आउट होकर किनारे पर बैठ गए थे, तो उन्होंने मेरे को शाबाशी दी और पीठ थपथपा कर कहा, वेल तुमने हमारा बदला लिया, आप हमारे कंधे पर बैठो। लेकिन क्योंकि हम एक किस्म से उस वक्त तक रिक्रूट ही थे, हम उसके कंधे पर तो चढ़े नहीं, लेकिन उनकी नज़रों में हम आ गए। एक महीने के बाद में परेड के दौरान में जब परेड चल रही थी तो उन्होंने कहा, मिस्टर रम, शोभाराम की जगह पर मुझे रम बोलते थे, मिस्टर रम यू फॉल आउट। मैं आगे जाकर उनको सलूट किया, कहते हैं दफ्तर पेश। मैं दफ्तर में गया, मैंने कहा कोई गलती तो नहीं की, लेकिन इन्होंने आखिर बुलाया क्यों मेरे को, वहां पर क्या कहते हैं मेरे को, वेल तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, कुलियों के माफिक नहीं फिरना है, जाटों को बदनाम नहीं करना है, तुम्हारा बहुत किस्मत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा साहब, क्या अच्छा साहब, उल्टी बातें करने लग गए। फिर कहते हैं कि तुम हवलदार हो गया है। ये वो समय था जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू देश को आजाद कराने के लिए नौजवानों से आह्वान कर रहे थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस की तकरीरों का शोभाराम पर इस कदर प्रभाव पड़ा कि वो अपने जीवन के तमाम सुखों और उन्नति के रास्तों को छोड़कर महज 20 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ गए। उनके इस कदम का परिवार वालों ने विरोध भी किया, लेकिन देशभक्ति के जज्बे को शोभाराम ने कभी खत्म नहीं होने दिया। फ्रीडम फाइटर तो थे ये, स्टार्टिंग से इनमें जुनून रहा और हमेशा ये रहा कि कुछ ना कुछ करते ही रहना। ऐसे अभी भी 87 ईयर्स ओल्ड हो चुका है इनकी एज, तो इसमें भी इनका यही है कि कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना, कुछ एज ए बुक वगैरह लिखते रहते हैं। और कुछ इनकी तबीयत इस टाइम जो है
पीछे जो पीछे इनका एक साल गुजरा है वो काफ़ी इन पे ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि भारी जैसे बोल देते हैं वो है, दो तीन अटैक भी हुए उनके अभी, इसलिए हमने भी उनको बोल रखा है आप रेस्ट करो, लेकिन ये अभी भी रेस्ट की बजाय कुछ ना कुछ कभी लिखना कभी कहीं जाना, किसी की कोई बुला लेते हैं इनको एज ए चीफ गेस्ट फंक्शन वगैरह में,